तो जय हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो एडी की। ये अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से, जो जल्द ही लॉन्च होगा मार्केट में अगले 2-3 महीने में। और इसकी एक शोरूम प्राइस होगी लगभग 72,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये एक लो स्पीड मॉडल है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा की स्पीड नहीं अचीव कर पाएगा। तो दोस्तों ये दो कलर ऑप्शन में आएगा, एक होगा येल्लो और एक होगा लाइट ब्लू। और नवीन मुंजल जी ने, जो इनके CEO हैं, उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, स्टाइलिश होगा। फिलहाल हमें तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, और मेरे कई सब्सक्राइबर्स भी इसके डिज़ाइन को देख के, पहले ही मैंने जब फोटो शेयर किया था कम्युनिटी पेज पे, तो ये कह चुके हैं वो थर्ड क्लास डिज़ाइन है। वाकई में दोस्तों ये गाड़ी भी थर्ड क्लास ही बना रहे हैं। इसका रीज़न है, देखिए 12,000+ यूनिट्स इन्होंने बेची हैं अभी फरवरी में, तो इनको तो मालूम है मेरी जब यूनिट्स ऐसे ही बिक रही हैं तो मुझे एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने की क्या ज़रूरत है। और ये फिलहाल इनका फ्यूचर प्लान तो होगा भी, क्योंकि ऑटो एक्सपो में इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी दिखाई थी और एक ट्राइक भी दिखाई थी, लेकिन अभी तक लॉन्च कुछ नहीं हुआ है। साल होने जा रहे हैं 2, अभी भी एक प्रोडक्ट भी नहीं आया उसमें से मार्केट में। तो ऐसे में कई लोग आपसे कहते रहते होंगे हीरो की इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, हीरो की इलेक्ट्रिक बाइक AE47 आ रही है, लेकिन अभी तक मैंने जो देखा है ना ही इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया। हीरो एडी में आपको देखने को मिलेगा कि फॉलो मी हेडलैम्प्स में होंगी, यानी कि ये 10-15 सेकंड तक ऑन रहती हैं जब तक आप अपने घर के अंदर ना चले जाएँ, और उसके बाद में ऑफ हो जाती हैं। ये होता है फॉलो मी हेडलैम्प्स। ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं अभी आपको नेविगेशन करना है वहाँ आपको फॉलो करेंगी। फॉलो मी हेडलैम्प कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए ऑन रखती हैं अपने आप को, जब आप घर के अंदर जा रहे होते हैं जैसे 10-15 सेकंड के लिए, उसके बाद ऑटो ऑफ हो जाती हैं। और ये फीचर आपको हीरो एडी में मिलेगा, साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉक मिलेगा, फाइंड माय बाइक मिलेगा जिसमें आपको शायद LED ब्लिंकर्स या आवाज़ करेंगे, जब ये आपकी पार्किंग स्लॉट में कहीं खड़ी होगी और आपको दिखाई नहीं दे रही होगी तो आप आवाज़ के सारे वहां तक पहुंच पाएंगे। साथ ही लार्जर बूट स्पेस भी होगा। हालांकि गाड़ी के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन अभी जारी नहीं की गई है, कह दिया है कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मतलब साफ साफ है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा, और 250 वॉट की हब मोटर इसमें मिलेगी आपको पीछे वाले पहिए में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यही गवर्नमेंट का नॉर्म है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 250 वॉट की मोटर तक रजिस्ट्रेशन माफ़ है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे में ये लो स्पीड मॉडल होगा, और हम तो यही कहेंगे कि भैया ये क्यों बना दिया, आपको बनाना ही नहीं चाहिए था, आपको मार्केट को देखना चाहिए। एक तो हाई स्पीड प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का लॉन्च कीजिए। लोगों के लिए जरूर कह सकता हूँ, जिन लोगों को अपने बच्चों के लिए गाड़ी लेनी है वो लोग ही कंसीडर करें, खुद चलाने के लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी लेने लायक है नहीं। लो स्पीड गाड़ी है, थर्ड क्लास डिज़ाइन है, बॉक्सी डिज़ाइन दे दिया है, और मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। वो लोग कह रहे हैं ये स्टाइलिश लग रहा है, तो ऐसे में कोई स्पेसिफिकेशन अभी आउट नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का बस मतलब यही था कि आपको बताना था कि हीरो एडी, अब देखिए एडी का मतलब क्या होता है, ये एडी करंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्शन से रिलेटेड बातें होती हैं, क्योंकि कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो यहाँ वहाँ पर एडी करंट्स डेवलप होते हैं, और एडी करंट्स एक तरीके के लॉसेज होते हैं, तो एडी करंट हमेशा लॉसेस करते हैं, तो एडी करंट को हमेशा मिनिमाइज़ किया जाता है। लेकिन ये एडी, हमारे जो नाम रखा गया है इस स्कूटी का, वो एडी करंट्स ये नहीं है, और वो कह रहे हैं ये हमारे एडी करंट्स हैं, मार्केट में बड़े होंगे ना कि हमारे छोटे हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं एडी करंट का मतलब क्या होता है। ये जब एडी मैंने नाम सुना था तभी मैंने सोचा था आपको इसके बारे में बताऊँगा कि एडी का मतलब क्या होता है। वैसे हमारे साइंस के स्टूडेंट तो ज़्यादातर जानते ही होंगे तो एडी करंट के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि हाइप है, मार्केट ही अच्छी है, तो फिर सोचने की क्या ज़रूरत है। ऐसे में अगर आपको ये अपडेट्स अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद ईवी लवर्स।